दोस्तों, हम सभी जानते हैं ना कि जो विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये ना सिर्फ हमारी स्किन को फेयरनेस देता है बल्कि हमारी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे लाइटनेस, ब्राइटनेस और टाइटनेस, ये तीनों ही चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। इससे पहले भी मैंने विटामिन सी पर एक बहुत सेपरेट वीडियो किया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लिमसी नाम की टैबलेट जो बहुत ईजीली मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं दिन में एक या दो, और जब आप इसे लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर इंटरनली आपको ग्लो नजर आएगा। उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने उस रेमेडी को यूज किया और उसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसी मोटिवेशन की वजह से आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं विटामिन सी ऊबटन की रेसिपी। विटामिन सी चाहे आप अंदर से खाएं या फिर आप बाहर से लगाएं, दोनों ही तरह से ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन विटामिन सी को अगर आप अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो आपको इसे लगातार शामिल करना होगा, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो आपके शरीर में, आपकी स्किन में रुकता नहीं है। ये अगर आपने ओवरडोज में भी ले लिया तो यूरिन के रास्ते से या फिर पसीने के रास्ते से हमारे शरीर से निकल जाता है। तो क्या है आज इस विटामिन सी DIY उबटन की रेसिपी, जानते हैं। बट उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक कमेंट का, जो कि आया है शर्मिला मॉन्डल की तरफ से। शर्मिला मॉन्डल ने लिखा है कि सर, आपके बताए हुए वीडियोस के हिसाब से मैंने ब्यूटी विटामिन्स सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में शामिल किया था, और बाहर से लगाने के लिए, फेस मसाज करने के लिए जो आपने अर्गन ऑयल बताया था उसे मैंने अपने रूटीन में शामिल किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, आपके यही मोटिवेटेड जो कमेंट्स होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मदद करते हैं। मैं भी आप सभी लोगों से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कोई बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरे बताए हुए किसी DIY के साथ में, किसी बताए हुए प्रोडक्ट के साथ में, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हो सकता है कि अगली बार कमेंट को जब मैं शामिल करूं तो शायद आपका नाम मेरे मुंह से निकल आए। सो मेक श्योर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेशन जरूर देते रहें। सो एक बार तहे दिल से शुक्रिया फिर से शर्मिला मॉन्डल जी। दोस्तों, फिर लौटते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जहाँ पे हम बात कर रहे थे DIY विटामिन सी ऊबटन के बारे में। इस ऊबटन को बनाने के लिए हमें जो पहला और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट चाहिए ना, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो इस पूरे के पूरे ऊबटन का एक बेस होने वाला है, और बेस इसलिए होने वाला है क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे जितने भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक्चुअली एक आधार मिलेगा और वो मिल करके एक दूसरे के साथ में एक बेहतरीन केमिकल कंपोजिशन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जब मैं एलोवेरा जेल का नाम लेता हूं तो कहते हैं कि सर हम पेड़ से ले सकते हैं, मैं हमेशा मना करता हूं। उसका कारण बिल्कुल सीधा सा है, क्योंकि पेड़ जो हमारे घर के बाहर लगा है या घर में लगा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी वेरिएंट का या उसी वैरायटी का हो जो एलोवेरा जेल हमारी स्किन पर लगाने के लिए सूटेबल है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के फिर से कमेंट्स भी आते हैं या सवाल भी आते हैं कि सर हमने एलोवेरा जेल लगाया था, हमारी स्किन पर रेडनेस आ गई है, स्किन सेंसिटिव हो गई है, स्किन में रैशेज आ गए हैं, दाने आ गए हैं। तो हमेशा आप मार्केट से जो 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों पर बेस्ड जो एलोवेरा जेल होते हैं वो यूज़ कीजिएगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए। ये बहुत सारे DIYs में बहुत सेफ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एक चम्मच हमें यहाँ पर लेना है एलोवेरा जेल। इस एलोवेरा जेल के अंदर हमें मिलाना है नींबू का छिलका। अब नींबू का छिलका आप कैसे मिलाओगे, तो नींबू के छिलके को हमें सुखा करके पाउडर नहीं बनाना है, एक ताज़ा नींबू लेना है, उसे कद्दूकस पे हल्के हल्के हाथ से घिसना है तो उसका धागा, उसका रेशा जो होगा छिलके का वो हमें मिल जाएगा। इसी रेशे के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और यही एक्चुअली हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आप एक नींबू को पूरा कद्दूकस करके उसके छिलके का जो आपके पास रेशा आएगा उसे इस एक चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर दोगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इस एलोवेरा जेल के अंदर हमें ऐड करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब गुड़हल के फूलों का निकाला गया पाउडर। फ्रेश फूल अगर आपके पास है आप सुखा करके उसका पाउडर बना सकते हो, नहीं तो मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस तरीके से लगभग आधा चम्मच आपको इसके अंदर जो गुड़हल के फूलों का पाउडर है वो ऐड कर देना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है ऑरेंज पील पाउडर।
मतलब संतरे के जो सूखे हुए छिलके होते हैं उनको क्रश करके, उनको पीस करके जो पाउडर बनाया जाता है वो आप अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वो भी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है आधा चम्मच। इसके अंदर भी बहुत सारा विटामिन सी होता है और ये हमारे चेहरे पर होने वाले दाग धब्बों को खत्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हिबिस्कस क्या करता है, जब आप ऑरेंज के साथ, ऑरेंज का जो पाउडर आपने डाला था उसके साथ जब हिबिस्कस पाउडर को ऐड करते हो तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इस विटामिन सी को हाइपर एक्टिव करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज पील पाउडर के रिजल्ट्स दोगुना हो जाते हैं। यही ऑरेंज पील पाउडर जब नींबू के छिलके के साथ मिलता है तो उसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। मतलब ये तीनों चीजें आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर की हैं, जिसकी वजह से ये तीनों इस रेमेडी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। वो है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स आपको यहाँ पे डालनी है। उसका कारण, क्योंकि जो विटामिन सी पर बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो स्किन को थोड़ा सा ड्राइनेस देती हैं। कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची लग रही है, तो वो खिंचावट आपको ना फील हो, आपकी स्किन थोड़ी सी नमी युक्त रहे, उसके लिए आप इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो कोकोनट ऑयल की ऐड कर दोगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लो, एक पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को अब आप अपने चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आधे घंटे के बाद हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद में ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस स्पेशली आपको वहां पर जरूर रिपीट करना है जहां पर आपको दाग धब्बे हैं, जहां पर आपको ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स का प्रॉब्लम है, या जहां पर आपको लगता है कि टैनिंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है। ये उपचार आपकी स्किन के ऊपर स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग तीनों प्रॉपर्टीज देगा। हफ्ते में 2 बार भी अगर आप इस प्रोसेस को कर लोगे तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। बस ये चीज ध्यान रखना आप इसे बनाकर मत रखना, क्योंकि अगर आप इसे बनाकर रख लोगे जो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है ना वो खत्म हो जाएगी और फिर आपकी स्किन को फायदा नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को आप खोल के रख दो, उसमें से गैस निकल जाए तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल पानी हो जाती है, मीठा पानी जैसा। वो एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देती। या इनो अगर आपने पानी में डाल करके रख दिया तो उससे भी आपको इफेक्ट्स नहीं आते। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने इनको मिला करके रख दिया तो इफेक्ट्स नहीं आएंगे। आप तुरंत मिलाइए, लगाइए और आधे एक घंटे में अपनी स्किन पर ये काम करके खत्म हो जाएगा। अब ये तो होगी बाहर की बात। अब अगर आप चाहते हो अपनी स्किन को इंटरनली आप विटामिन सी प्रोवाइड करो, इंटरनली आप अपनी स्किन को एंजाइम्स प्रोवाइड करो, इंटरनली आप अपनी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना चाहते हो, तो ब्यूटी विटामिन नाम का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपकी स्किन, आपके बाल और आपके नेल्स की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो विटामिन की ज़रूरतें हों, मिनरल्स की ज़रूरतें हों, ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरतें हों, उन सबको पूरा करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस ब्यूटी विटामिन नाम के सप्लीमेंट के अंदर मल्टीपल बहुत सारे आपको विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि एक्चुअली हमारी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ज़रूरी है। और नाम से ही पता चलता है कि वो सारे के सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए चाहिए वो सब कुछ इसमें है। तो अगर मैं बात करूँ तो एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो पूरे की पूरी आपकी स्किन और हेयर की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अगर आप अपनी स्किन को इंटरनली हेल्थ देना चाहते हैं तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम का ब्यूटी विटामिन का शामिल कर सकते हैं। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट पर दे दूंगा। मेक श्योर एक बार जाके जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो परचेज करने के बाद जब अपने रूटीन में आप शामिल करो तो आपको बहुत अच्छे जब रिजल्ट्स मिले तो मुझे भी आप शर्मिला मॉन्डल की तरह कमेंट्स में जरूर बताएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सके। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।